हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आवित सिंह। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्प्लिट एसी को पंप डाउन करके मास्टर सर्विसिंग कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इस एसी में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, किस रीजन से मैंने इसको मास्टर सर्विसिंग किया, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने पैनासोनिक का 1.5 टन का स्प्लिट एसी है। इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। को स्टार्ट करके हम लोग आ गए हैं पीछे की तरफ गैस बैक करने के लिए। सबसे पहले क्वार्टर पैंप को एलिंकी से लॉक कर देंगे। 2-3 मिनट के बाद दोनों पैंप को छू के देखेंगे कि दोनों नॉर्मल हो गया है, तो हाफ को भी एलिंकी से अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे। इस एसी का फ्लेयर नट बाहर की तरफ टाइट है, तो इसको स्लाइडर से अच्छे से खोल लेंगे। इस पाइप के अगल बगल में पैरिस पुट्टी जो भी लगा हुआ है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है, निकाल लेना है, ताकि इनडोर हमारा आसानी से बाहर की तरफ आ सके। और ये हमने पाइप को जॉइंट से खोल दिया है और उसे सीधा कर दिया है, और हॉल को भी अच्छे से साफ कर दिया, हमारा इंडोर आसानी से बाहर आ जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग इंडोर को उतारेंगे। इंडोर को उतारते समय ये ध्यान दें कि हमारा जो कॉपर का पाइप इंडोर से बाहर निकलता है, वो कहीं से फिंच ना हो, बेंड ना हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब हमारा एसी बाहर आ चुका है। अब इस एसी के कैबिनेट के सारे स्क्रू को एक एक करके ओपन कर लेना है। आप कैबिनेट के नीचे के पोर्शन को पकड़ के ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो आसानी से हमारा कैबिनेट बाहर की तरफ आ जाएगा। कैबिनेट हमारा बाहर आ चुका है। अब हम लोग फ्लैप को खोलेंगे। फ्लैप को खोलते समय ये ध्यान दें कि इसके बीच में 2 लॉक रहता है, 2 लॉक साइड में रहता है, तो पहले दोनों बीच वाले लॉक को खोल लेंगे, उसके बाद साइड वाले लॉक को खोलेंगे। तो ये हमारा इस साइड का लॉक बाहर आ गया है, इसी तरह उस साइड वाले लॉक को भी खोल लेंगे, तो ये हमारा फ्लैप पूरी तरह बाहर आ चुका है। अब हम लोग एसी के पीसीबी के साइड को इस प्लास्टिक के पन्नी से ढक देंगे, ताकि हमारे पीसीबी में पानी वगैरह ना जाए। आप लोग चाहें तो पीसीबी को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एसी को सर्विस कर रहे हैं। इस एसी में इतना ज़्यादा डस्ट था, इतना गंदा था, कि जिसकी वजह से इसका थिन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से ये कूलिंग बहुत कम कर रहा था। तो इस एसी को थोड़ा टाइम दे के अच्छे से सर्विस करेंगे। इसके फ्रंट के साइड को और ऊपर के साइड को बढ़िया से वॉश करेंगे जेट पंप से। थिन हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके ब्लोअर को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके ब्लोअर में इतना ज़्यादा डस्ट बैठ चुका था, जिसकी वजह से इसका स्पीड बहुत ही कम हो चुका था। स्पीड कम होने से इसके एयर का फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा था, इसलिए इसके ब्लोअर को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब इसके बैक साइड को सर्विस करेंगे। इसके बैक साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका पीछे का ड्रेन जो अभी हमने दिखाया है, इसके पीछे का ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाता है दोस्तों, तो हमारे एसी के आगे से पानी लीक करने लगता है, दीवार से सट के पानी चूने लगता है। तो जब भी आप मास्टर सर्विसिंग करें तो इसके पीछे के ड्रेन को अच्छे से सर्विस करें, ताकि आपके साथ ऐसा पानी लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। इंडोर हमारा अच्छे से सर्विस हो चुका है। अब इसके कैबिनेट और फ्लैप को भी सर्विस करके फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फ्लैप को फिट करेंगे। तो मैंने आपको फ्लैप को ओपन करते समय बताया था कि इसके साइड में 2 लॉक रहता है, 2 लॉक बीच में रहता है। तो फ्लैप को फिट करते समय सबसे पहले दोनों साइड वाले लॉक को लगाएंगे, उसके बाद दोनों बीच वाले लॉक को लगाएंगे। तो फ्लैप हमारा आसानी से ही फिट हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें कैबिनेट को फिट कर रहे हैं। कैबिनेट को फिट करते समय आप ये ध्यान दें कि इसका मेन लॉक ऊपर की ओर रहता है। अगर ऊपर का लॉक आपका अच्छे से बैठ गया तो फिर नीचे भी आपका आसानी से बैठ जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। कैबिनेट हमारा फिट हो चुका है। अब इसका जितना भी स्क्रू वगैरह है सबको अच्छे से टाइट कर देंगे, तो हमारा इंडोर पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। अब इसको हैंग कर देंगे। इंडोर को हैंग करते समय सबसे पहले इसके वायर को हॉल से बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसके ड्रेन पैंप और कॉपर पैंप को साथ में हॉल से बाहर निकालेंगे, और इसका ध्यान देंगे कि इसका जो ड्रेन पैंप है वो कॉपर पैंप से नीचे रहे, ताकि आपका एसी का पानी जो है आसानी से ड्रेन हो जाए। इसे फिट हो जाने के बाद एक बार आप बॉटल से एसी में थोड़ा सा पानी डाल के देख लें कि आपका पानी पूरी तरह से अच्छे से ड्रेन हो रहा है या नहीं। और ये हमारा इंडोर फाइनल फिट हो चुका है। अब इसके बैक साइड में चलते हैं। अब हम आ गए हैं इसके बैक साइड की तरफ, और जो इंडोर से हमारा पाइप जो निकला था उसमें जो हमने टेप वगैरह मारा था, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए, उसको टेप वगैरह को हमने हटा लिया है, और इसको अच्छे से पाइप को हमने सेट कर दिया है, ताकि आउटडोर का पाइप जो है हमारा इसमें आसानी से कनेक्ट हो जाए। तो अब इसको हमने पहले हाथ से इसको टाइट कर देते हैं, ताकि हमारा पूरी तरह से फ्लेयर नट इसमें टाइट हो जाए, उसके बाद हम इसमें स्लाई रेंज को लगाएंगे।
और सिलाई रिंच को पहले फ्लेयर नट में अच्छे से फिट कर लें, उसके बाद इसको अपने अंदाज से टाइट मारें, बहुत ज़्यादा ताकत ना लगा दें वरना इसमें इसका फ्लेयर नट और फ्लेयरिंग फ्लेयरिंग जो बना हुआ है वो फट भी सकता है। तो इसको अपने अंदाज से धीरे धीरे टाइट मारें और इसका हाफ और क्वार्टर दोनों पैंप अच्छे से टाइट हो जाने के बाद इसके वायर को कनेक्ट कर देंगे आउटडोर में। उसके बाद इसके गैस को थोड़ा सा रिलीज करके इसमें लीक टेस्ट करेंगे, डिस्चार्ज पैंप से थोड़ा सा गैस को रिलीज करेंगे एलिंकी से ओपन करके, और लीक को टेस्ट करेंगे कहीं पे माइनर लीकेज वगैरह तो नहीं। अगर नहीं है तो सक्शन और डिस्चार्ज दोनों को एलिंकी से फुल ओपन करके गैस को पूरी तरह से रिलीज कर देना है। तो ये हमारा सक्शन पूरी तरह से ओपन हो चुका है, अब हम लोग डिस्चार्ज को ओपन करेंगे। डिस्चार्ज को पूरी तरह से ओपन करके इसमें डेड कैप वगैरह अच्छे से लगा देंगे और इसके कॉपर पाइप में इंसुलेशन वगैरह अच्छे से पहना के हमने टेपिंग वगैरह पूरी तरह से फाइनल कर दिया है। अब इसके आउटडोर को भी सर्विस कर लेते हैं, वहाँ पे जेट पंप से सर्विस करने का जगह नहीं था इसलिए हमने नॉर्मली सर्विस कर दिया इसका। एसी को हमने स्टार्ट कर दिया और हमारे एम्पियर मीटर में एम्पियर हमारा 7.5 शो कर रहा है, मतलब इसमें गैस भी पूरा है और हमारा कूलिंग भी बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और हमारा एयर का फ्लो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा फर्स्ट टेक्निकल वीडियो था, इस तरह का वीडियो में मैं आगे भी लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।